केसरी जी जो कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है, तो एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से पुनः इनके लिए आप सभी एक बार बहुत ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में ताली बजाएं इनके लिए, क्योंकि ये एक ऐसे कलाकार जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं, बड़े ही नामचीन फनकार हैं, और इन्हें इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं पुन्नू जी को मैं बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, आप इनका माल्यार्पण करेंगे। और सम्मान जो कि इस माँ जंगली काली के पावन दरबार में यहाँ पर कलाकारों का विशेष सम्मान किया जाता है, इनके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री राघव केसरी जी का माल्यार्पण जो हमारे पुन्नू बाबू के द्वारा हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, हर्षोल्लास का ये जी। और ये हमारे पुन्नू बाबू जो कि जानते हैं, ये हमारे गंगा जल दल सेवा रामसर भागलपुर से, ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिनके माध्यम से श्री राघव केसरी जी का माल्यार्पण किया गया है। साथ ही जो कि शिव जी के किरदार में आप देख रहे हैं, मैं बुलाना चाहूंगा जिनका आप माल्यार्पण करेंगे। और हमारे माँ जंगली काली मंदिर समिति के एक आदर्श कार्यकर्ता और मुख्य रूप से कार्य करने वाले मैं चाहूंगा जी, हमारे श्रीमान भूषण व्यास जी, एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। आप हमारे जो शंकर भगवान के किरदार में हैं, उनका आप माल्यार्पण करेंगे। पुरजोर तालियों की आवाज उठे इस पावन सरजमी पर, क्योंकि हमारे शंकर भगवान देखिए बहुत ही ज्यादा लंबे हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, कैलाश पर्वत की ऊंचाई। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं जो मैया पार्वती के किरदार को आप निभा रही हैं, काजल जी, एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप सभी इनका इस्तकबाल करें। और मैं चाहूंगा कि कोई माता जी आकर इनका माल्यार्पण करेंगी, जो कि हमारे माँ जंगली काली की पावन इस कमेटी के माध्यम से इनका माल्यार्पण किया गया है। अरुणा देवी जी के माध्यम से इनका माल्यार्पण किया गया। और साथ ही पूजा जी जो कि भजन संध्या जागरण के माध्यम से आप देख रहे हैं, इनका माल्यार्पण बहुत ही भव्य रूप से किया गया है। ये सभी कलाकार एक ऐसे कलाकार हैं जिनका एक ग्रुप है, और ग्रुप के माध्यम से आप तक बहुत ही अनूठा पेशकश अभी आप लोगों ने सिर्फ माल्यार्पण का कार्यक्रम जो कि आपके समक्ष चल रहा है, इसके बाद फिर मैं इनके द्वारा जो कलाकारी जो पेश होगा, जो फिर कला का प्रदर्शन होगा, बड़े ही भव्य रूप से होगा। और हमारे श्री श्री अक्षत माँ जंगली काली कमेटी की ओर से, और हमारे श्री बम्बम जी, और श्री बम्बम जी मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है भजन संध्या जागरण के जो कलाकार पूजा जी थी उनका हुआ, उसके बाद फिर आप एंकर जी उनका जो है मनीष जी कौन है जी, मनीष जी आइए। आप बहुत ही अच्छा इन सभी ग्रुपों में आपने विशेष योगदान निभाया है, इनके लिए आप इनका माल्यार्पण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और आप हैं कार्यक्रम का व्यवस्थापक पप्पू जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए प्रभु, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे कार्यक्रम के व्यवस्थापक महोदय पप्पू जी। और बहुत ही अच्छे व्यवस्था में रहते हैं, और बहुत ही अच्छी इनकी व्यवस्था रहती है, क्योंकि व्यवस्था में कोई कमी ना हो, कोई व्यवधान ना हो, इनका विशेष ख्याल ये रखते हैं। और पप्पू जी को भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण इनका किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। ये हमारे बम्बम जी जो मैंने नाम लिया, ये एक ऐसे शख्स हैं जो कि हमारे इस काली पूजा समिति के मेयरपति जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूं मैं। और जागरण कलाकार नीतीश जी कहाँ है, नीतीश जी जो कि हमारे इस जागरण और झांकी के बहुत ही ज्यादा उम्दा एक ऐसे, इनके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता पूरा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें दिखते नहीं, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनका मेहनत होता है, और उनके बिना हम वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए नीतीश जी का भी माल्यार्पण होगा पिंकू जी के माध्यम से। आइए पिंकू जी, आप इनका माल्यार्पण करेंगे। और जागरण कलाकार आप हैं हमारे अरविंद जी, प्लीज आप मंच पर अगर हैं, उपस्थित हैं, तो आप आ जाएं। अरविंद जी देखिए देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं और बड़े ही साधारण, लेकिन
इनका कार्य जो है, कार्य शैली जो है वो बहुत ही बेहतर है और जिनका अंदाजा हम नहीं लगा सकते सरल भाषा में। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जो कि काफी रूबरू आप सबों को शिव और पार्वती माता का दीदार करवाते हैं, अच्छी छवि का वर्णन और उनका दर्शन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इनका माल्यार्पण करेंगे पिंकू जी। जी और आइए एक बार, मैं चाहूंगा पिंकू जी पुनः एक बार जो है माल्यार्पण इनका करेंगे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार सामूहिक रूप से जोरदार तालियों की आवाज उठे। हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पुनः बाबू का एक बार जो है माल्यार्पण होना चाहिए। पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बड़े ही एक भूषण जी, जो भूषण जी के माध्यम से पुनः बाबू का एक बड़ा ही प्यारा सा भाव यहाँ पर दिख रहा है। फोटो भाई जरूर जो है क्लिक कर लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए ऐसा मौका हमें कम ही मिलता है जहाँ की इस तरह का प्रेम हमें देखने को मिलता है। तो माँ जंगली काली माता का ये मंदिर और जंगलेश्वर धाम में साक्षात आज मानव की भक्ति का सैलाब उमड़ आया है। तो ऐसा ही प्यार आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य जागरण सह झांकी का आप लोग आनंद ले रहे हैं और ऐसा ही कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको एक सुंदर सुंदर कलाकारों के बीच जो अब उनकी कला का प्रदर्शन होना है।